सो हे गाइस, आज मैं आपके लिए लाया हूँ 17 फीट बाई 34 फीट का एक हाउस प्लान। आप ही लोगों ने कमेंट किया था तो मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। आई होप आप सबको ये प्लान अच्छा लगेगा। इसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी, जैसे कि कॉलम का साइज क्या रखना है, बिल्डिंग कॉस्ट कितना आएगा, एंड विंडो साइज क्या रहेगा, एंड डोर का साइज क्या रखना है, ये सब आपको मिलेगा। देखो, अगर आप घर बनवा रहे हो तो इसका बेसिक नॉलेज आपको होना जरूरी है। घर बनवाना जितना आसान लगता है उतना हैवी नहीं, क्योंकि इस पे छोटी छोटी बारीकियों पे भी काम करना पड़ता है, जिससे आपका घर मजबूत और टिकाऊ हो सके। और एक बात कि मेरे 98% ऐसे व्यूअर्स हैं जो मेरे वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो वाकई में आपको ये मेरा वीडियोस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए अब मैं इसका डायमेंशन आपके साथ शेयर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यहाँ पे मैंने वरांडा का प्रोविजन किया है। वरांडा का साइज मैंने 6 फीट बाय 6 फीट का रखा है, ये बेहतरीन रहेगा। यहाँ पे मेन डोर एंड उसके बाद से यहाँ पे डोर एंड ये अपना फर्स्ट बेडरूम, जिसका साइज मैंने रखा है 10 फीट बाय 10 फीट का। आई होप आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद से यहाँ पे मैंने डाइनिंग कम ड्राइंग हॉल का प्रोविजन किया है। ये एरिया ना ज़्यादा बड़ा है और ना ज़्यादा छोटा है, मीडियम साइज का एरिया है, आप एडजस्ट कर सकते हो। इसका साइज मैंने रखा है 9 फीट 6 इंच बाई 40 फीट 6 इंच का। उसके बाद यहाँ पे आपका स्टेयर आएगा एंड दिस इज आवर किचन। किचन का साइज मैंने रखा है 6 फीट 6 इंच बाई 6 फीट 6 इंच का। और उसके बाद से यहाँ पे डोर एक एंड एंटर करेंगे अपने मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम का साइज मैंने रखा है 8 फीट बाय 12 फीट का। उसके बाद से यहाँ पे डोर एंड ये है अपना कॉमन बाथ कम लेटरिंग, जिसका साइज मैंने रखा है 4 फीट बाय 8 फीट का। उसके बाद से मैंने इसका विंडो पोजीशन एंड वेंटिलेशन पोजीशंस आपको शो कर दिया है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो एंड अच्छे से समझ में आ सके। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। और इसमें आपका बिल्डिंग कॉस्ट आएगा 10 to 12 lakhs, डिपेंड करता है आपके क्वालिटी एंड क्वांटिटी के ऊपर। एंड कॉलम साइज आपको 10 into 12 का रखना है, 16 mm का डोर आपको 4 यूज करना है, एंड वेंटिलेशन साइज 2 feet into 1 feet, जिससे आपके प्राइवेसी लीक ना हो। विंडो साइज आपको रखना है 3 feet into 4 feet, 3 feet into 5 feet, 4 feet into 5 feet, जो भी अच्छा लगे रख सकते हो। एंड डोर का साइज आपका रहेगा 3 feet 6 inch into 7 feet का। एंड बाथरूम का डोर का साइज 2 feet 6 inch into 7 feet का। और आपका मेन डोर जो रहेगा वो 4 feet का रख सकते हो आप। अगर इस प्लान से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेरीज, कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो कैसा लगा ये प्लान कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसे और अमेजिंग इंटीरियर डिज़ाइन, एक्सटीरियर डिज़ाइन एंड हाउस प्लान के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए हाउस प्लान के साथ। लव यू ऑल, जय हिंद।